अभी जी एक चीज़ देखी गई है पिछले पिछले कुछ सालों में कि ये एक फ्रीबीज की राजनीति चालू हुई है आप लोगों ने उसके अगें मतलब बहुत जोरों से बोला भी है मोदी जी ने भी कहा है उसको रेवड़ी की राजनीति बताया है मगर नई पार्टियां आती हैं और जो है ऐलान करना शुरू कर देती हैं इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त हेल्थ केयर मुफ्त एजुकेशन मुफ्त हज़ार रुपए यहाँ देंगे तीन हजार रुपये वहाँ देंगे इस इस तरह की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए गुजरात है यहाँ एनालिसिस करने वाले लोग हैं पढ़ने वाले लोग हैं समझने वाले लोग हैं और सोच समझकर एनालिसिस कर गुजरात की जनता फैसला लेती है अब तक जो वादे किए गए इसका योग बताए तो गुजरात का बजट दो लाख बयालीस हजार करोड़ है और वादे हो गए तीन लाख बावन हजार करोड़ के नई इनकम कुछ नहीं करनी है पुराना बजट एज इट इज और तीन लाख बावन हजार करोड़ लाना है कोई बता दे जरा कैसे लाएंगे इसका तो हिसाब दे ये गुजरात की जनता सहमति है और कुछ वादे तो इतने हास्यास्पद है हम प्राथमिक शिक्षा को फ्री करेंगे हमारे यहाँ 1960 से प्राथमिक शिक्षा फ्री है अब क्या फ्री करोगे तुम? फ्री करोगे तुम है उनको यह भी मालूम नहीं है यहां क्या चल रहा है स्वाभाविक है यहाँ के नहीं है तो परंतु थोड़ा स्टडी तो करना चाहिए जब फ्रीबीज की बात होती है तो केंद्रीय सरकार भी तो फ्रीबीज दे रही है कहीं ऐसा जैसे कि फ्री राशन दे रहे हैं आप उसकी आपकी व्यवस्था बनी हुई है फ्री सिलेंडर आप भी दे रहे हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं क्या ये फ्री नहीं देखिए दो दो चीजों में तत्वतः फर्क है जैसे भारत सरकार की सो कोल्ड फ्री किसी को घर देना किसी को गैस का कनेक्शन देना किसी के घर में लाइट पहुंचाना किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड देना और अब अंत में आपने जो कहा कोरोना के बाद उनको फ्री राशन देना किसी को बिजली देना ये बांटना नहीं है मगर बिजली का बिल न देना रेवड़ी बांटना है किसी को घर देना मैं नहीं मानता रेवड़ी बांटना है ये इसके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास है जो आजादी के सत्तर साल तक कांग्रेस ने साठ साल तक शासन किया वो नहीं कर पाए वो हम करें मगर फिर घर का टैक्स हम माफ नहीं करते इसका हम शौचालय बना देते हैं क्योंकि अधिकार है पचहत्तर साल के बाद एक महिला का कि घर में शौचालय हो उसको एम्ब्रेसमेंट ना हो सुबह मगर हम शौचालय का रिपेयरिंग नहीं कर देते और जहां तक मुफ्त में अनाज देने की बात है आप सभी को मालूम है पूरा देश जानता है पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना के बाद एक लिंगरिंग फेज में स्लो डाउन रहा है जिसकी सबसे बुरी असर किसी पर पड़ी है तो देश के गरीबों पर पड़ी है सोसाइटी का कोई भी सेगमेंट कुदरती आपत्ति के कारण महामारी के कारण अगर किसी भी तरह से प्रभावित होता है तो शासन की जिम्मेदारी है नैतिक जिम्मेदारी है इसको मदद करना जैसे बाढ़ आती है सूखा आता है साइक्लोन आता है तो हम मदद करते वो फ्री बीज नहीं है उसका सपोर्ट है तो ये दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए वोट के लिए रेवड़िया बांटना अलग बात है और किसी का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए एक बार उसको मदद कर इसको अच्छे जीवन जीने का इंफ्रास्ट्रक्चर देना अलग बात है दोनों कोई बीच में मूलत अंतर है और मैं मानता हूं देश की जनता इसको जानती है